पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आज हम आपके मकर लग्न राशि के अनुसार बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी दिशा आर्थिक लाभदायक हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आपकी आर्थिक प्रगति के लिए कौन से स्रोत उपयोगी होंगे और आप अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। नमस्कार प्रियजनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर लाते हैं। मैं श्री सीताराम जी से आपके एवं आपके माता पिता तथा परिवार के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करता हूं। कमेंट में जय श्री सीताराम जी जरूर लिखें। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मकर राशि वालों, आपके लग्न राशि के स्वामी शनि देवता हैं, जो धन के विभाग को भी संभालते हैं, इसलिए वे आपके लिए धनदाता भी हैं। आपके लिए धन का दूसरा भाव महत्वपूर्ण है, जिसे शनि देवता शासित करते हैं। क्योंकि आपकी राशि मकर है, इसलिए यह भाव पश्चिम दिशा से संबंधित है, इसलिए पश्चिम दिशा आपके लिए धन प्राप्ति के लिए शुभ है। दूसरी ओर आपके लिए आय का 11वां भाव महत्वपूर्ण है, जिस पर भी शनि देवता का प्रभाव है। चूंकि यह भाव आपकी मोक्ष राशि से संबंधित है, इसलिए उत्तर दिशा आपके लिए धन लाभ के लिए शुभ है। इन दोनों दिशाओं में आप अपनी आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ न कुछ बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि वास्तव में हम इस दिशा को कैसे देखें? क्या हमें अपने जन्म स्थान से देखना चाहिए या फिर वर्तमान में जहां हम स्थित हैं उस स्थान से? ध्यान देना चाहिए कि आम तौर पर जन्म स्थान से इस दिशा को देखना चाहिए, लेकिन यदि आप काफी समय से, जैसे 4-5 साल से किसी एक स्थान पर हैं, तो आपको उस स्थान से देखना चाहिए। इन दोनों दिशाओं में आप अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। हालांकि सटीक निर्णय के लिए आपका जन्म चार्ट देखना जरूरी होगा। हमारे पास अभी आपका जन्म चार्ट नहीं है, इसलिए हम केवल आपके विवाह पर अनुमान लगा रहे हैं। राज्यों का प्रभाव हमारे जीवन पर अधिक पड़ता है, इसीलिए मैंने ये दो दिशाएं बताई हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि धन प्राप्ति का माध्यम क्या होगा? जितना अधिक आप अनुशासित जीवन जिएंगे, उतनी ही अधिक धन प्राप्ति होगी। आप खुद देखेंगे कि आप धन के मामले में बहुत अनुशासित हैं और अपने धन को ज्यादातर लोगों तक फैलाते नहीं हैं। आप अपने धन को बचाकर रखते हैं। यह सब आपके शनि ग्रह का प्रभाव है। शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि आपकी उम्मीद के मुताबिक आपके पास धन नहीं आ रहा। लेकिन शनि की गति धीमी होने के बावजूद वे आर्थिक स्थिति को सदैव मजबूत बनाए रखते हैं। शनि का लेन देन और हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए मां लक्ष्मी कभी कभी अप्रसन्न भी हो जाती हैं। आगे आपके लाभ भाव की बात करें तो उसके स्वामी मंगल हैं, इसलिए जब तक आप जोखिम नहीं लेते, लाभ प्राप्ति में देरी हो सकती है। मंगल जोखिम लेने और परिवर्तन का प्रतीक है, इसलिए आपको लाभ के अवसर अक्सर परिवर्तनशील रहेंगे। मान लीजिए आज आपको 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन अगले पल आपके पास सिर्फ 1 रुपया रह सकता है। यह परिस्थितियों के परिवर्तन को दर्शाता है। आपका मंगल आपकी कमाई पर सीधा प्रभाव डालता है, जो यहां आपके द्वितीय भाव में स्थित है। मंगल को आपके 8वें भाव के स्वामी शनि से जोड़ा गया है। 8वां भाव आपका पितृ संपत्ति से संबंधित है, इसलिए पितृ संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। आपको हमेशा अपने लाभ पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर आपके खर्चों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपने 12वें भाव को समझना होगा, क्योंकि यह आपके खर्चों का स्वामी बृहस्पति है। बस कमाना ही काफी नहीं है, बचत भी जरूरी है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण पाने के लिए 12वें भाव को समझना आवश्यक है। आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है, इसे समझने के लिए अपने वर्तमान गोचर को देखिए। शनि देव आपके स्वयं के धन भाव पर स्थित हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके लिए धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। शनि देव मई 2025 तक आपके धन भाव पर रहेंगे, इसलिए आपको धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर आपके लाभेश मंगल 16 नवंबर तक आपके 10वें भाव पर स्थित रहेंगे, इससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपको जो लाभ मिल रहा है,
वह आपके करियर के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। जैसा कर्म आपने किया है उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। यह भी संभव है कि आप अपने व्यवसाय के लिए पैसा लगा रहे हैं। आज के दिन आप अपने लाभ को कुछ अंदाज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा करियर बन जाए, यह भी एक भविष्यवाणी हो सकती है। दूसरे शब्दों में 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल पूरी तरह से वृश्चिक राशि में रहेंगे। मकर राशि से इनके लाभ के स्वामी मंगल देव ही बनते हैं और वे अपने ही घर में रहेंगे। इसका मतलब है कि यह समय आपके लिए बहुत अधिक लाभ का हो सकता है। यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो यह आपके लिए सही समय है। इस दौरान कोई बड़ी इच्छा या सपना पूरा हो सकता है। इस समय पर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि धन के स्वामी बृहस्पति देव आपके लिए खर्चों को कम करने में मदद करेंगे। बृहस्पति देव का गोचर 24 अप्रैल 2024 तक आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है। इस समय आपके खर्चे परिवार और भौतिक सुख साधनों पर ज्यादा हो सकते हैं। 23 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के दौरान माता जी के चतुर्थी पर भी खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी कहीं धन खर्च हो सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार इस समय आपको चतुर्थ भाव से जुड़े खर्च करने पड़ सकते हैं। आप इस समय प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव निवेश का और चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है। धन खर्च को सदैव के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन अनावश्यक खर्चे कम किए जा सकती हैं। जब आय ज्यादा होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बृहस्पति देव का संबंध पूजा पाठ से होता है, इसलिए उनकी कृपा से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। बृहस्पति का संबंध धन से है। जब भी आप धार्मिक कार्य में दान देते हैं या घर पर कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक धन वापस मिलता है। आपके बड़े खर्चे रुक जाते हैं और दान पुण्य से आपको फायदा होता है। धन की प्रगति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पैसा आता रहे और खर्चे कम हों, तभी बचत होगी। अभी आपके धन भाव पर शनि देव 2025 तक रहेंगे, इसलिए यह आपके आर्थिक विकास का अच्छा समय है। 11 नंबर का त्रिकोण पश्चिम दिशा को दर्शाता है, जो शनि की दिशा है। इसलिए पश्चिम दिशा में कोई लोहे की वस्तु रखकर उस पर हल्दी से बंधन बांधें, मतलब किसी सिक्के पर टीका करके पश्चिम दिशा में रख दें। यह आपके लाभ के लिए उपयोगी होगा। हमने इसे कई लोगों के जीवन पर लागू किया है। इससे धन की वृद्धि अत्यधिक होती है। ये पश्चिमी आपको बताते हैं कि धन को कैसे संचित करना है। शनि देव का विलंब एक कारक है। इससे जब भी आपको कहीं पैसे देने या लेने हैं, आपको थोड़ा रुकना पड़ता है। बहुत जल्दबाजी में न लें, यह आपकी प्रगति का कारण बन सकता है। शनि देवता के विलंब के कारण आपके बैंक खाते पर निर्भर करते हैं, इसलिए धनवान बनने के लिए जहां भी आपने धन लगाया या संचित किया है, चाहे वह आपका बैंक खाता हो या कोई वित्त विभाग, वहां आपको पैसे होल्ड करने के लिए कहा जाता है। लंबी अवधि तक रखने से आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं, इसे मत भूलिएगा। आशा है आप सभी ने समझा। अगर समझ में आया हो तो अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय महालक्ष्मी।